वायुदेवाय नमः। ओम वायुदेव। ये पृथ्वी पर कौन है? कौन हो तुम? प्रभु, मेरा जीवन धन्य हो गया प्रभु। पृथ्वी पर हम जीव अग्नि जल और वायु पर निर्भर हैं, और इनमें से भी वायु हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि इसके बिना हम एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते प्रभु। यही हमारा कर्तव्य है धूर। एक आप ही है जो इतनी अपार शक्तियां होने पर भी इतने नम्र हैं, और एक वृंदावन के वो दो बालक हैं जो अपने बल के घमंड में चूर हैं। कौन से बालक? वो दो मायावी बालक हैं प्रभु। वो दोनों तो ये भी कहते फिरते हैं कि तीनों लोकों में ऐसा कोई देवता या दानव नहीं जो उन दोनों को परास्त कर सके। इतनी सी उम्र और इतना घमंड कि वायु देव का भी अपमान करने लगे। हम अभी वृंदावन जाकर उन बालकों को परास्त कर उनको सही सीख देते हैं। क्यों अहंकारी बालकों, हमने सुना तीनों लोकों में ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हें परास्त कर सके। जरा अब हमारे सामने वही दोहरा कर तो दिखाओ। तो इसलिए वायुदेव इतने क्रोध में हैं। जरूर ये उस राक्षस की ही चाल है। बलदाऊ, मैं उस राक्षस से सत्य बुलवाता हूँ। ठीक है काना, मैं वायुदेव के कहर को गांव पर बरसने से रोकता हूँ। तुम वायुदेव के सामने सत्य कहोगे। बचाओ मुझे, इस तेज हवा से बचाओ। मैं सत्य बता देता हूँ, मैंने ही वायुदेव से झूठ बोला था। नहीं नहीं वायुदेव, वायुदेव श्री कृष्ण और बलराम मुझे क्षमा करें, मेरे कहर के कारण वृंदावन को बहुत क्षति पहुंची है। नारायण नारायण। प्रणाम कुबेर महाराज। आइए नारद मुनि, इस ओर किस कारण वशाना हुआ? मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, और फिर आजकल आपके सहयोगी शंखासुर के दुर्व्यवहार के भी बहुत चर्चे सुनने को मिल रहे हैं। हाँ नारद मुनि, आपने बिल्कुल सही सुना है, और क्यों ना हो शंखासुर की चर्चा चारों ओर। मुझ जैसा धनी तीनों लोकों में कोई नहीं। इतना घमंड। शांत हो जाओ शंखासुर। मेरी तो महिमा ही अनोखी है। महिमा तो उन दो बालकों की अनोखी है, फिर भी समूचा वृंदावन बस कृष्ण और बलराम की चर्चाओं से गूंजता है। असंभव। वो तो तुम्हें वृंदावन जाकर ही पता चलेगा। नारायण नारायण। अरे पागल हाथी! कृष्ण, बलराम,
तुमने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। एहसान नहीं किया, तुम्हें इसके लिए हमें मूल्य चुकाना होगा। मूल्य? पूरी एक एक हंडी माखन सब से लेंगे। तो वहाँ है कान्हा। तुम गोपियाँ शायद मुझे ही खोज रही हो, है ना? हम तुम्हें नहीं खोज रहे थे। छोड़ो हमें, छोड़ो हमें। कान्हा, हमें इस शक्ति से बचाओ। छोड़ो हमें, छोड़ो हमें। कान्हा, यहीं रुक जाओ और इन गोपियों को छोड़ दो। अनमोल शंख के कारण ही तुम्हें इतना घमंड है ना? और इस तरह समाप्त हुआ कृष्ण और बलराम का एक और पराक्रम। श्री कृष्ण, ये कौन पुकार रहा है? प्रणाम मुनिवर, हमारे घर में आपका स्वागत है। हे कृष्ण, हमारे सामने एक बहुत ही बड़ी दुविधा खड़ी हुई है। हम महायज्ञ की तैयारी में व्यस्त थे। जब एक राक्षस हमारे आश्रम में चोरी छुपे आ गया और हमारा शंख चुराकर और जंगल की ओर भाग गया। हमारे यज्ञ के लिए वो शंख अति महत्वपूर्ण है। राक्षस अक्सर हमारे यज्ञ भंग करने आते हैं, परंतु उस शंख के बजाने से वो दूर भाग जाते हैं। आप निश्चिंत रहिए मुनिवर, हम आपका शंख अवश्य वापस ले आएंगे। लंबी सांस लो। जी बलदाव। किसने हिम्मत की? जाते हैं।
का शंख मुनिवर। कृष्ण और बलराम धन्यवाद, अब महायज्ञ अवश्य सफल होगा। हम सब तुम दोनों के आभारी हैं। हम तो बस अपना कर्तव्य निभा रहे थे मुनिवर।